कैपिटल मॉल। आज हमारे बीच में हितेश टोरिया जी है जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कई सारी फिल्में बनाई हैं। हितेश जी, आई लव भोपाल फेस्ट आपका स्वागत करता है। हितेश जी, मेरा एक सवाल है भोपाल वासियों के लिए कि भोपाल में ऐसा क्या है कि लोग आने के बाद जाना पसंद नहीं करते, आप बताएंगे प्लीज। भोपाल लोगों का तो पता नहीं, मगर मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ, इंडिया का 16th लार्जेस्ट सिटी है, और जो मुझे जो प्लस पॉइंट यहाँ पर लगता है कि वन ऑफ द क्लीन सिटी, वन ऑफ द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया। और अगर हम देखें यहाँ का, मेरे लिए तो अगर हम यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पहले 700-750 जो सेटिस्फैक्ट्री या मॉडरेट होता रहता है। और आज अगर हम वैसे कंपेयर करें तो सिटीज लाइक दिल्ली, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 450 तक हो चुका है, तो 450 के कंपेरिजन में 125-150। तो अगर हम, मेरा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि I had found this city, one of the best city कि जहाँ पे second means to रहते हैं लोगों के, कि वो आके यहाँ पे बड़े आराम से सेटल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे को ये काफ़ी क्लीन क्लीन सिटी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना जी, आपने काफ़ी सारी मूवी बनाई है, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी कौन सी मूवी है जो MP को प्रमोट करती है और उसमें आपको बनाने में काफी अच्छा प्रोत्साहन मिला और आपको मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सरकार ने आपको सपोर्ट किया, आप बताएंगे भोपाल में। वेल, आफ्टर मेरी मोर देन 70-100 का काउंट है जो कि मैंने मूवीज बनाई है, और आसाम पर है डॉक्यूमेंट्रीज, और मध्य प्रदेश में जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो मैंने बनाई तो यहाँ के एग्रीकल्चर के बेस्ड हैं, और जिसके लिए हमें नेशनल एप्रिसिएशन मिला था जो अगला दहिया डॉक्यूमेंट्री अमृतलाल बेगर जी पे थी, जो नर्मदा पुत्र की मैं जानते थे। तो ये कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है जिससे मुझे एक पहचान मिली, और अभी मैं जो कर रहा हूँ एक प्रेजेंट एपिसोड चल रहा है पेंटिंग स्ट्राइक्स में, तो टाइगर कंजर्वेशन, तो टाइगर कंजर्वेशन में भी एक और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भोपाल एकमात्र वर्ल्ड का, अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड का 131st लार्जेस्ट सिटी और प्लस वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कैपिटल है जिसके 25-30 किलोमीटर्स के दायरे में फॉरेस्ट में मोर देन 15 टाइगर्स का मूवमेंट है। दैट इंडिकेट्स कि हमारे आसपास के जंगलों में एक फुल फ्लेश जंगल है, सिटी प्लांटेशन में, और प्लस जंगल होने से ऑक्सीजन कंटेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज है वो आपको बहुत मिक्स है, प्लस कैपिटल मॉल। मेरे हिसाब से तो एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कैपिटल टू ले। नेता जी, आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी होगी जो भोपाल से जुड़ी हुई है जिसको आप भूल नहीं पाए? भोपाल से काफ़ी काफ़ी मेमोरीज हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसके शूट के दौरान जो भोपाल के लोगों के सपोर्ट मिलते हैं, ऐसे करते करते कई कहानियाँ हैं, कई मेमोरीज मिली हुई हैं। खासकर शुरुआती दिनों में जब नेशनल लाइफ में यहाँ पे था, विंसेंट और वो सब जो जगह थी वहाँ पर हम लोग बैठा करते रहते थे, पुरानी यादें काफ़ी। आप क्या फर्स्ट टाइम कैपिटल मॉल आए हैं या पहले भी आ चुके हैं, कुछ बताएंगे? नहीं, मैं कैपिटल मॉल इनफैक्ट मैं पहले से आता रहा हूँ, और मेरे लिए अगर मेरा पर्सनल अगर पूछे तो मैं या तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहा हूँ या शूट कर रहा होता हूँ या फिर कहीं सुकून की जगह पर। तो कैपिटल मॉल में शुरुआती तौर से जैसे मेहनपुर वाला है, पेंसिल करता था, और तो हम लोग जो आते थे तो एक दिया वो के हिसाब से आते थे, लेकिन फिल्म टिकट्स भी बुक कर लिए बच्चों ने, स्नोमेंस भी इंजॉय करते थे और हम लोग अपना सुकून से करते थे, यही आपके फूड कोर्ट में आराम से बैठ के खाना खाते, उसके बाद फिल्म देखी।
तो एक तरीके से अगर मुझे सुकून भरे कुछ हम लोग में डॉक्टिंग करनी होती थी, शॉपिंग करनी होती थी, हम लोग क्या करने वाले थे। और अभी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी दिख गया कि एच एंड एम का सुकून भी आ गया, तो बहुत जल्द फिर से दोबारा शुरू करूँगा। थैंक यू हितेश जी, आपने बताया कि भोपाल वालों को भी जितना सुकून मिलता है जब कैपिटल मॉल में शॉपिंग करते हैं आप जैसे सच भोपाल में, तो ये बताइए आप हितेश जी कि भोपाल इतना क्लीन है, काफ़ी सारे खूबसूरत है, काफ़ी लोग भोपाल में बाहर से आए हुए हैं, भोपाल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भोपाल में रहना पसंद करते हैं, कुछ रिटायरमेंट लोग हैं जो रहना पसंद करते हैं, आपकी सोच उनके हिसाब से क्या होगी, किस प्रकार ये काम करें? नहीं, एक और ये बहुत सही चीज़ है कि भोपाल से सुकून भर शहर नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार के भी कई शहरों में मैं घूमा हूँ, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर या वेस्टर्न यूपी यूपी का जो बेल्ट है, वहाँ पे पीसफुल लाइफ आप नहीं जी सकते आज के डेट में। इवन आप रात को 9-10 बजे के बाद में फिर बाहर नहीं निकल सकते, फैमिली नहीं सकते, तो उस सब मामलों में भोपाल एक काफ़ी काफ़ी अच्छा शहर है, शांति काफ़ी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। दूसरी ओर अगर हम देखें तो भोपाल जो डिजर्व करता है वो हम भोपाल वासियों ने उसको दिया नहीं, मतलब मैं तो और कहता हूँ कि भोपाल वासियों को भोपाल को भी रिटर्न में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का ऑक्सीजन भोपाल हमें देता है, जिस लेवल की एयर क्वालिटी भोपाल हमें देता है, तो उसके बदले में हम ही अलग अलग लोकेशन पे प्लांटेशन ड्राइव्स या ऐसे करके हमें एनवायरनमेंट को अपना रिटर्न भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी जैसे होशंगाबाद रोड पर बैठे हैं तो आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले या करो एक तरीके से पूरा ग्रीन बेल्ट हो जाता है जो हाईवे था। मेरा ये क्या अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके बदले में हम कहीं और, क्योंकि हम जब भोपाल में रह रहे हैं तो हमें अपने फ्यूचर देखना है, हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को फ्यूचर देखना है, तो हमें भोपाल को दिल्ली नहीं बनना है। तो देखते ही देखते आज जो हम तारीफ कर रहे हैं कि ये शहर इतना अच्छा है, रहने लायक है, सब है, मगर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ 5-10 साल में हम लोग, तो मेरा वो है कि अगर हम और इसको रिटर्न्स दें तो ये और अच्छा रहने वाला शहर आने वाले काफी सालों तक बना रहेगा। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू वेरी मच।